गुड इवनिंग माधवी मैम, ये वहां पहुंच कैसे गए आप? मेलबर्न, मेलबर्न में हूँ। तो वहां कैसे पहुंच गए? मेरी लड़की रहती है यहाँ पे, तो साल भर आती हूँ मैं उसके पास। और अभी कितना टाइम हो गया, वापस कब आ रहे हो? अगस्त में आऊंगी वापस। साल भर होने वाला है। हाँ। तो उस बात की खुशी है कि उस बात का गम है? नाती है उनको छोड़ के आते हैं तो गम लगता है, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ ही है वहां पे, फैमिली को छोड़ आने में थोड़ी तकलीफ होती है। ट्रू। वैसे इंडिया की याद तो आती होगी। हाँ। अच्छा, तो आप वहां से एक्टिवली ट्रैक करते रहते हो स्टॉक मार्केट को? हाँ, मतलब मैं तो अभी दिसंबर से ही मैंने ये चालू किया है, क्योंकि पहले मेरे भाई देखते थे, फिर उन्होंने बताया CNBC आवाज देखना, फिर अपने आप समझ जाओगे, अपने आप करोगे। अभी अपने आप करते हो आप? हाँ, इसलिए 4 महीने से मैं अपने आप इधर ही बैठ के कर रही हूँ अभी। अरे एक बात बताओ, वो एक मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया आता है, था, अब तो मैं देखता नहीं हूं, उसमें बड़े सम्चुअस सा खाना दिखाते हैं वहां। स्ट्रीट फूड इतना सम्चुअस होता है, बढ़िया होता है कि ऐसे ही होता है, दिखाते ज्यादा है? पता नहीं, ज्यादा हम सी फूड खाते नहीं नहीं है। नहीं स्ट्रीट फ्राइड वाला कह रहा था मैं। स्ट्रीट फूड इज वेरी गुड, अच्छा, यस। बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा होता है, मतलब जो नॉर्मल है उनके लिए सब कुछ अच्छा है। जो क्या समझा नहीं मैं, कौन नॉनवेज जो जो? हाँ, खाते हैं उनके लिए सब कुछ अच्छा है। अच्छा माधवी मैम, फोकस करें काम पे, कहाँ आप ऑस्ट्रेलिया भटका रहे हो मुझे। पहला सवाल कौन सा पहला सवाल है BRNL कोई है? भारत, BRN, भारत, भारत रोड नेटवर्क्स। हाँ यस, हाँ 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 दो शेयर है मेरे पास 87 रुपीज के लिए हुए। हाँ 17-18 का हो रहा है नुकसान। आस्था से क्या पूछूं, बने रहना चाहिए निकल जाना चाहिए, ऐसा पूछूं क्या? नहीं, अगर प्रॉफिट होने वाला है तो बने रहूंगी। वास्ता क्या करा जाए भाई? भारत रोड नेटवर्क मैम की खरीद है 87 की, चल रहा है 68 पे, क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून आशीष, गुड आफ्टरनून मैम। देखिए, भारत रोड नेटवर्क में बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा मैम की प्राइस से तो नीचे चल रहा है। इसके पीछे का कारण भी है मैम, ये लॉसेस में है, स्पेशली जो क्वार्टरली इन्होंने रिजल्ट दिखाए थे उसमें नुकसान है कंपनी के 10 करोड़ के आसपास का। Q3 में भी इन्होंने नुकसान दिखाया, तो इस वजह से हम दिख रहे हैं कि प्राइजेस थोड़ा सा यहाँ पे डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा रही है। वैसे मुझे लगता है कि आपका जो खरीद का प्राइस है उसके लिए थोड़ा समय लगेगा मैम, क्योंकि अभी तो जो नुकसान दिखा है उसकी वजह से मार्केट अभी तो इसको तेजी में आने नहीं देगा। लेकिन हो सकता है कि जब अगले नतीजे आए और वो थोड़े अच्छे आए तो आपकी कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेगी। तो सिर्फ उसी का आप इंतजार करिए जो अगले नतीजे आए, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं और मेरे हिसाब से अभी अप्रैल मिड से लेके मई मिड तक में शायद इसके भी नतीजे आ जाएंगे, तो तब तक आप होल्ड कर लीजिए। वैसे भी नुकसान हो रहा है, अभी एग्जिट करने से कोई सेंस नहीं है, तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। और रिजल्ट्स पे बिल्कुल नजर बना के रखिए, अगर नुकसान बढ़ता है तो फिर एग्जिट करिए। हो सकता है उस थोड़ा नीचे में भी एग्जिट करने को मिले, लेकिन तब कंफर्मेशन आपके बिल्कुल माइंड में रहेगी कि अभी ये स्टॉक बढ़िया नहीं है। तो अभी मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी और रिजल्ट्स को क्लोजली वॉच करने की सलाह दूंगी। टिल दैट टाइम आप चाहो तो एक स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। स्टॉप लॉस जो मैम पोजिशन पे आ रहा है वो 54 का आ रहा है, बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन अभी तो वो लगा के पोजीशन को बना के रखो। रिजल्ट्स का एक बार राह देखो, अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो ही बने रहना, नहीं तो एग्जिट करना। और अगर रिजल्ट अच्छे आए या उसके आने की उम्मीद में, हो सकता है स्टॉक बढ़ा भी तो एक बार 81 तक जाने की उम्मीद है स्टॉक के बढ़ने की, तो अभी आपको वेट करना है। 54 का स्टॉप लॉस लगाना है, 81 का पहला टारगेट रहेगा सब कुछ अच्छा रहा तो, और उसके बाद 86 का दूसरा टारगेट, 81 to 86। ओके, रिजल्ट सीजन शुरू हो ही चुका है, नतीजे ज़्यादा दिन दूर है नहीं, एक बार नंबर्स देख लीजिए, फाइनेंशियल्स के हालात सुधर रहे हैं या डिटोरिएट हो रहे हैं? डिटोरिएट हो रहे हैं तो भाई निकल लेने का स्टॉक्स, ज़्यादा होप राइड नहीं करने का, पर क्योंकि नतीजों पर खड़े हैं एक